करें शुरू। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना चरणजीत सिंह चहल आज आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ रहा हूँ। एक सॉरी यार, पी लूँ थोड़ा सा, तभी बोल पाऊँगा ना इतना आपके सामने। तो आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूँ बॉडी बिल्डर्स के लिए, जो बॉडी बिल्डर्स का लाइफस्टाइल होता है। बेसिकली मैं अपने लिए, अपने जितने मेरे बॉडी बिल्डर भाई हैं उनके लिए मैं आज आप सबको उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बताना चाहूँगा। अभी कैसे वो सर्वाइव करते हैं कॉम्पिटिशन में, किस किस फ्रेजेस से वो निकलते हैं, उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं और उनकी अर्निंग का क्या सोर्स है, कि वो अपने आप कैसे अपने डाइट का खर्चा, अपने सप्लीमेंटेशन का खर्चा करते हैं और कैसे वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर पाते हैं जिससे वो अच्छे देख सकें। भाई लोग हैं सब जो उनको देख के अप्रिशिएट करते हैं या मुझे अप्रिशिएट करते हैं या मेरे जितने भाई हैं बॉडी बिल्डर सबको देख के, तो आज हम उनके बारे में बात करना चाहेंगे, लाइफस्टाइल ऑफ अ बॉडी बिल्डर। रोल साउंड एक्शन। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा लाइफस्टाइल के बारे में, उनके भी लाइफस्टाइल उनका कैसा होता है। बेसिकली देखा जाए तो वो दुनिया से अलग ही होते हैं यार। उनके खाने पीने का तरीका अलग है, रहने का तरीका अलग है, कहीं आ जा नहीं सकते, क्योंकि बहुत डिसिप्लिन लाइफ होती है एक बॉडी बिल्डर की। क्योंकि उसको एक तो अपना टारगेट दिख रहा होता है, जैसे अगर वो किसी चीज़ के लिए तैयारी शुरू कर रहा है तो उसको ये देखना है कि मेरा जो टारगेट है, मेरा जो फोकस है, मेरा जो गोल है, मैं उसके तक कैसे पहुंच सकता हूं। तो उनका जो विजन होता है देखने का वो बहुत अलग होता है और वो दुनिया से बहुत अलग जीते हैं। उनकी डाइट का पैटर्न बहुत अलग है। एक नॉर्मल इंसान यार दिन में 2 या 3 बार खाता है, तो बेसिकली बॉडी बिल्डर की जो मील्स होती हैं 5 से 6 मील, 6 से 7 मील ऐसे वो मील्स में खाते हैं, अपनी डाइट को प्रॉपर रखते हैं, बिल्कुल फैट नहीं खाना, ज़्यादा कार्ब्स कंट्रोल करके खाने हैं, ठीक है, मीठा नहीं खा सकते ज़्यादा, नमक बहुत कंट्रोल करते हैं वो अच्छी बॉडी दिखाने के लिए अपनी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो निकलते हैं और इन्हीं के बीच में ना वो ज़्यादा सोशल हो पाते हैं, कहीं आ जा नहीं सकते, ठीक है, तो बड़े सस्टेन होते हैं अपने गोल को लेके भी। एक्सरसाइज करनी है, घर जाना है, खाना खाना है, सोना है, दैट्स इट, उठना है, फिर जिम आना है। तो उनका एक गोल होता है कि नहीं यार, खाना पीना सोना एक्सरसाइज, खाना पीना सोना एक्सरसाइज, दैट्स इट। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाते, तभी वो उस गोल को अचीव कर पाते हैं, तभी आप लोग उस ऐसी बॉडी को देख पाते हैं कि हाँ कि यार देखने में कितनी सुंदर लग रही है बॉडी यार, अगर काश हमारी भी बॉडी ऐसी हो। वो ऐसे ही नहीं बनती, इसके पीछे बहुत कुछ करना पड़ता है आपको। फिर आपकी डाइट होगी, फिर आपकी सप्लीमेंटेशन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और मेन बात करें हम सप्लीमेंटेशन की, तो उसके अंदर पैसा बहुत लग जाता है आपका। फिर एक बॉडी बिल्डर की अर्निंग क्या है, अर्निंग आज ये सबसे बड़ा ट्रुथ मैं आपके सामने खोलने लगा हूँ। बॉडी बिल्डर के लिए सबसे बड़ी समस्या है खर्चा, बिकॉज ये गेम बहुत महंगी है यार। इसके अंदर डाइट का खर्चा बहुत है, फिर सप्लीमेंटेशन, फिर आपके स्टीरॉयड्स का खर्चा बहुत है। क्योंकि लोग, आपको पता है जब आप कंपीट करते हैं स्टेज पे यार, तो आपको स्टीरॉयड्स की जरूरत है। तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है या फिर मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, सबको पता है सब, बस ये है कि कोई बताता नहीं, मैं खुले होकर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो खर्चा बहुत हो जाता है इसका। तो उनकी अर्निंग का क्या सोर्स होता है, या तो वो पर्सनल ट्रेनिंग्स देते हैं जिम्स के अंदर जाके, या फिर इंडिविजुअली जो पर्सनल ट्रेनिंग्स होते हैं वो देते हैं, वो जिम में अंदर ट्रेनिंग देते हैं अलग से, सेलिब्रिटी ट्रेनर बन जाते हैं, किसी सेलिब्रिटी को ट्रेनिंग दे रहे हैं एंड ऑल, या फिर अपना जिम खोल लेते हैं छोटा। वो जैसे कोई पिंड में रहता है किसी में, पिंड मीन्स विलेज, गाँव में कहीं, वहाँ खोल लेता है छोटे एरिया में कोई जिम खोल लो, कोई बड़े खोल लेते हैं पार्टनरशिप्स में, ठीक है, जिम्स हो गया, सप्लीमेंटेशन का काम कर लेते हैं, अपने सप्लीमेंट की शॉप खोल लेते हैं वो। तो अर्निंग के सोर्स उनके यही होते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं अर्न कर पाते, ठीक है। तो बेसिकली तो उनका खर्चा निकालना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार ट्रेनिंग्स के अंदर मैं बोला पर्सनल ट्रेनिंग्स का क्या है यार, 2 महीने है आपके पास कोई ट्रेनर या ट्रेनिंग है, 3 महीने या 4 महीने, उसके बाद फिर वो चेंज हो जाती है, नए नए लोग ऐड ऑन होने शुरू होते हैं, पीछे वाले घटते जाते हैं, नए आते रहते हैं, तो बड़ा फ्लक्चुएशन चलती है इसके अंदर। तो बेसिकली मेरा बात यह है कि जो ट्रेनिंग पैटर्न्स हैं ना, वो बड़े फ्लक्चुएट करते हैं इस गेम के अंदर। तो बेसिकली बॉडी बिल्डिंग जो गेम है ना, वो जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है वो बहुत अच्छी कर सकता है, और उसके पास पैसा है बेसिकली। तो बिना पैसे के तो आपको पता है कुछ नहीं होता, ना सप्लीमेंट्स आएंगे आपके, ना सीओ जाएंगे, ना आप वर्कआउट कर पाएंगे अच्छा, ना कुछ एंड ऑल। तो बड़ी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं इसके अंदर। तो एक लाइफस्टाइल जो बॉडी बिल्डर का, वो बहुत इजी नहीं है, इट्स अ वेरी टफ। सो इसके अंदर बहुत कुछ है यार। तो आपको जो सफ़र करते हैं वो, उन्हीं को कहते हैं ना, जो तन लागे सो तन जाने, कौन जाने पीड़ पराई।
तो ये ऐसे ही नहीं बोला गया, जिसको लगती है उसी को पता होता है यार कि वो कैसे तैयारी कर रहा है ना, कैसे अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को कर रहा है। तो मैंने मेरे सामने मेरी लाइफ के अंदर बहुत एग्जांपल्स ऐसे रहे हैं, कई बॉडी बिल्डर्स मुझे ऐसे मिले हैं। तो बेसिकली जो बॉडी बिल्डर हैं यार वो मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं सारे, ऐसा नहीं है कि बहुत, आपने देखा कोई बहुत अमीर आदमी कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा हो, नहीं, सारे मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो वो बहुत कुछ करते हैं, कई बॉडी बिल्डर्स मैंने देखे हैं यार, मेरे अपने फ्रेंड्स हो गए या कुछ है, तो उन्होंने जब तैयारी करने लगे हैं तो तैयारी करते 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 उन्होंने कभी, कई एग्जांपल्स हैं मेरे पास, मेरे एक फ्रेंड था उसने अपना मोबाइल फ़ोन अपना सेल कर दिया, बिकॉज पैसे नहीं थे सप्लीमेंट लेने, कंपटीशन आने वाला है, किसी ने अपनी बाइक सेल कर दी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, किसी ने अपनी कार सेल कर दी, नहीं यार मैंने कंपटीशन खेलना है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं बॉडी बिल्डर, बट एट द एंड की अब इसको रिवॉर्ड भी, रिवॉर्ड इस गेम में ऐसा है यार, रिवॉर्ड इतना की है इन इंडिया की, अगर मैं बात करूँ कि लोग आपको सिर्फ पहचानना शुरू कर देंगे, जानना शुरू कर देंगे, हाँ भाई कि बहुत अच्छा एक लड़का आया था, उसकी बहुत अच्छी फिजिक है, हर साल आता है खेलने। तो बेसिकली इससे आपको अर्न कुछ नहीं, हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स को लेके अगर मैं बात करूँ तो जब आप कॉम्पिटिशन खेलते हो प्राइज़ मनी भी कोई इतनी ज़्यादा खास नहीं है, तो ना वो मज़ा आता है देखने में और ना खेलने में। जो खिलाड़ी यार खेलने गया वो तो चलो उसने प्रेप करी, उसने तो खेलना ही है, ठीक है। बट अगर मेरे जैसा प्रोफेशनल एक नीचे बैठा है जो मैं भी कम्पीट करता हूँ यार, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार ये उतना वर्थ नहीं था जितना इसको मिलना चाहिए। अब लोगों लाखों रुपया लगा देते हैं अपने शेयर पर यार, पर उनको वहाँ पे कॉम्पिटिशन में मिल क्या रहा होता है, नथिंग, कुछ भी नहीं मिलता। प्राइज़ मनी तो मैं अब आपको क्या ही बताऊँ भी कैसी है, अभी सुन के हंसी निकल जाती है बंदे की, भी ऐसी भी प्राइज़ मनी हो सकती है। तो ऐसे कई कई लोकल कॉम्पिटिशन होते हैं जो सिर्फ 5,000 प्राइज़ मनी दे रहे हैं, 3,100 यार इसमें क्या होता है, एक प्रोटीन का डब्बा नहीं आता यार। तो मैं ये कहता हूँ कि स्पोर्ट्स को लोगों ने इतना का डाउनग्रेड कर दिया है कि अब जो कई बॉडी बिल्डर्स प्रोफेशनल हैं उन्हें खेलना ही छोड़ दिया, उसी करके खेलना छोड़ दिया यार, बिकॉज अर्निंग सोर्स बहुत कम है और एक कुआं है यार, एक तरह का पैसे डाली जा रहे हैं लगी जा रहे हैं, पर आ कुछ रहा नहीं है क्योंकि आउटपुट नहीं है कुछ भी, इनपुट ही है सिर्फ, इनपुट आप डाली जाओ आउटपुट कुछ है नहीं। तो फिर एट लास्ट एक दिन आता है कि बॉडी बिल्डर्स होता है यार छड, मैं इससे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाता, बिकॉज यार हर एक बंदा अपनी पॉकेट के हिसाब से करता है, जिसकी जितनी पॉकेट है उतनी अलाउ करेगा वो, अब कोई बैंक तो लूट नहीं सकता वो जाके, क्योंकि मैं इसके लिए मैंने गेम करनी यार, मुझे दो बैंक लूटूँ ना, यहाँ पे स्पॉन्सर्स हैं इतने भी आपको भी स्पॉन्सर कर सकें। तो अभी भी हाँ, इन प्रेजेंट मैं अगर बात करूँ 2018 की, तो अब इस गेम को फिर भी थोड़ा हाइक मिल चुकी है, तो चलो अच्छे ब्रांड्स आपको जो हैं स्पॉन्सर करने लग गए हैं, सप्लीमेंट देते हैं आपको या फिर मनी पे करते हैं आपको हर महीने थोड़ी बहुत भी, जिससे आप अपना खर्चा सर्वाइवल अपना चला सकते हैं, और अच्छे लेवल पे कॉम्पिटिशन भी होने लग गए हैं जिसमें प्राइज़ मनी बहुत अच्छी हो गया, लाख लाख रुपये मिलना शुरू हो गया, आप 4,000 रुपये। बट फिर भी यार मैं जो एक बॉडी बिल्डर की लाइफ है ना वो बहुत टफ होती है, तो उसको उसके हिसाब से रिवॉर्ड मिलना बहुत ज़रूरी है यार। और इस गेम को अगर मैं कहता हूँ कि अगर गेम है तो इस गेम को एक अच्छे लेवल पर लेके आना चाहिए, उसके अंदर बहुत मेहनत है यार। लोगों को लगता है कि नहीं वेलों के काम है, वेलों का काम नहीं है यार, इसके अंदर बड़ी मेहनत लगती है, सुबह शाम आना, अपनी डाइट कंट्रोल करके चलना, नमक छोड़ना, पानी ड्रॉप करना दो दो दिन कॉम्पिटिशन से पहले, इट्स वेरी टफ यार, कभी करके देखो तो पता चलेगा आपको भी कैसा होता है। तो लोगों को लगता है कि इट्स वेरी ईजी बॉडी बनाना, जिम ज्वाइन कर लिया और बॉडी बन गई, नो, जिम ज्वाइन करना ही अकेला कुछ नहीं है, उसके आगे बहुत कुछ होता है करने के लिए, बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ती है। मेरा बस यही था कि मैं आज आपके सामने ये चीज़ लेके आ सकूँ, थोड़ी सी रियलिटी मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज जो बॉडी बिल्डर की है। तो बाकी आप मुझे कमेंट्स में और नीचे शेयर में आप मेरे को डालें भी, और हम इसके बारे में ऐसा क्या कर सकते हैं, या फिर कोई नया टॉपिक आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि इस किसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। और मुझे सब्सक्राइब का लिंक है रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, सब्सक्राइब करें उसे, और मैं ऐसे ही आपके सामने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो है लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।